हम एक मैकेनिक्स का प्रॉब्लम करेंगे। थोड़े से इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को चूज़ किया हुआ है। इसमें एक व्हीकल है जिसमें एक पेंडुलम है जिसका मास स्मॉल एम है, व्हीकल का मास कैपिटल एम है। ये व्हील्स हैं, ये व्हीकल मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, कोई फ्रिक्शन नहीं है और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल है। सो कुछ हिंट मिल गया क्वेश्चन में। ये एक बुलेट आ रही है, इसका वेलोसिटी वी जीरो है, बुलेट का मास बी एम है। बुलेट आती है, खटाक से इस पे लगती है पेंडुलम में और एम्बेड हो जाती है यहीं पे। उसके बाद क्या होगा, आप सोचिए क्या होगा। नेचुरली ये मोशन स्टार्ट हो जाएगा और ये गाड़ी आगे जाएगी, ये व्हीकल आपकी आगे जाएगी और पेंडुलम स्विंग करेगा नेचुरली। अब हमें पता लगाना है इस पेंडुलम की हाइट, यहाँ से h है, ये है इसका हाइट वाला एंगल। हमें पता लगाना है जब पेंडुलम मैक्सिमम एंगल पे होगा या पेंडुलम की फ्लोर से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, पेंडुलम की फ्लोर से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हमें ये पता लगाना है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, इनिशियल हाइट दिया हुआ है। देखो इस प्रॉब्लम को करने के लिए एक तो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये इनइलास्टिक कोलिजन है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अगर सिंपल केस होता, सिंपल अगर पेंडुलम होता और यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, ये बुलेट आई, ये एम है और ये एम है, ठीक है, वहाँ पे आपको निकालना होता कि पेंडुलम कितनी मैक्सिमम हाइट पे गया नीचे से, बेसिकली कितनी हाइट गेन की, घुमा के पूछने वाली बात है। जैसे आप बोलो किसी को गेट में ताला लगा दे, ताला लगाने की जगह बोलो उसमें टॉर्क लगा दे, तो वही इसमें बात है कि कितनी हाइट गेन, कितनी हाइट नीचे से, बेसिकली बताना है कि कितनी हाइट उसने गेन की। तो सिंपल प्रॉब्लम जो है, इस सिंपल प्रॉब्लम में तो आप आराम से कर सकते हैं, मगर यहाँ पे भी कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे कोई बुलेट आ रही है, उसका वेलोसिटी वी जीरो है, मास एम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लेके इसकी हाइट निकाल देते हैं टोटल। इसकी काइनेटिक एनर्जी लेके इक्वेट कर देंगे ट्वाइस एम जी एच, क्योंकि मास अब ट्वाइस एम हो गया है। ये गलत है। जब भी इनइलास्टिक कोलिजन है, पहले आप सिर्फ मोमेंटम को डील कीजिए, क्योंकि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। पेंडुलम पे जो स्ट्रिंग लगा हुआ है ना, वो 90 डिग्री का फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। जो मोशन का डायरेक्शन था बुलेट और पेंडुलम का, आप मोशन देखिए, बुलेट ऐसे आ रहा है और पेंडुलम पे स्ट्रिंग ऐसे है, तो जो भी नॉर्मल फोर्स होता है मोशन के, वो हमारे मोमेंटम को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मोमेंटम तो इसमें कंजर्व्ड रहेगा। एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड नहीं है, एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो रही है, क्योंकि ये एम्बेड हो गया है, इनइलास्टिक कोलिजन है। तो कभी भी पहले वाली एनर्जी फाइनल एनर्जी में मत इक्वेट करना, जहाँ पे भी इनइलास्टिक कोलिजन है। स्टेजेस में जाना है, पहले आपको इस स्टेज को देखना है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। इसमें क्या करते हैं, पहले आप इसका मोमेंटम देखा, कंबाइंड मोमेंटम एम वी जीरो इनिशियल मोमेंटम, कंबाइंड मोमेंटम ट्वाइस एम वी डैश निकालते, वी डैश की वैल्यू हो गई वी जीरो अपॉन टू। अब यहाँ पे जो वी डैश की वैल्यू आई, उससे आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ ट्वाइस एम वी डैश स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ये तो सिंपल वाला प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका व्हीकल भी है, व्हीकल भी मूव करेगा, पेंडुलम भी मूव करेगा, कैसे पता चलेगा कौन सा वेलोसिटी लेना है, रिलेटिव मूवमेंट भी है, थोड़ा कन्फ्यूजन सा होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में जहाँ पे आपके एक चीज़ फ्रेम मूव कर रहा है और उसके अंदर कुछ और भी मूव कर रहा है, आप ये इमेजिन करिए कि आप हैं और आपका एक फ्रेंड है। आपने अपने फ्रेंड को बोला कि आप व्हीकल में बैठ जाओ, वो व्हीकल में बैठ गया। आपको बेसिकली वेलोसिटी से डील करना है ना, अब यहाँ से वेलोसिटीज में ही सब डील करना है, सब वेलोसिटीज से हो जाएगा। फ्रेंड को तो आपने बिठा दिया यहाँ पे, ठीक है, व्हीकल में बैठ जा, और आप हो बाहर मेन फ्रेम में,
सब कुछ तो हमें एब्सोल्यूट फ्रेम में ही सॉल्व करना है ऐसी चीजों को। आप इसके फ्रेम में भी कर सकते हैं, पर थोड़ा मुश्किल होगा, उसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम मेन, आप मेन फ्रेम में ही कीजिए, स्टेशनरी फ्रेम में ही इसको सॉल्व करेंगे। तो आप स्टेशनरी फ्रेम में हैं, आपके पास एक स्पीड रडार गन है। मैं सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे ये। आपके पास स्पीड रडार गन है जिससे आप स्पीड मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने अपने फ्रेंड को बोला हुआ है कि जैसे ही पेंडुलम मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचे मुझे बता देना, ठीक है। अब पेंडुलम जब मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचता है तो क्या होता है? पेंडुलम जब मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचता है तो क्या होता है? उसका स्टेट चेंज होता है। यहाँ गया, उसके बाद वापस आया, तो इस छोटे से टाइम में ये रुक जाता है, ये स्टैंड स्टिल है उस टाइम में। मींस इसका मूवमेंट इसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है। ये इसका फोटो ले लिया आपने बस, मैक्सिमम एंगल पे ये इसके रिस्पेक्ट में चलता नहीं है, गया वहां कुछ क्षण भर के लिए, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इट स्टॉप्स फॉर दैट स्मॉल टाइम। उसका मतलब है कि इसका वेलोसिटी इसके रेफरेंस में नहीं है। तो जैसे ही आपके फ्रेंड ने बताया कि पेंडुलम रुक गया, पेंडुलम रुक गया, पेंडुलम मैक्सिमम एंगल पे पहुंच गया, बोलेगा पेंडुलम मैक्सिमम एंगल पे पहुंच गया, मींस पेंडुलम उसके फ्रेम में रुक गया, आपके फ्रेम में नहीं रुका, उसके फ्रेम में रुक गया। उसके फ्रेम में रुक गया मींस पेंडुलम की वेलोसिटी भी वही वेलोसिटी है जो इसकी है। अगर ये वी डैश है तो पेंडुलम की भी वी डैश है। उसी टाइम पे आप स्पीड रडार गन से इसकी वेलोसिटी मेजर कर लीजिए, जो कि दोनों की वेलोसिटी होगी, उसकी अलग से आपको मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। उसने बताया आपको कि वो रुक गया मैक्सिमम पोजीशन पे, मींस उसका इसके रिस्पेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं है, मींस जो वेलोसिटी इसकी है वही वेलोसिटी इसकी है, मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वेलोसिटी रिलेटिव जीरो है, वही उसकी वेलोसिटी है। बस इसको करके अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको ट्राई करते हैं, इसी कंसेप्ट को लगाते हैं। पहले तो आप यहाँ पे कंजर्व कर लीजिए इनिशियल मोमेंटम, एम वी जीरो इज इक्वल टू ट्वाइस एम वी इनिशियल, कोलिजन के बाद स्टेजेस में कीजिए, पहले इस चीज को डील कीजिए। तो वी इनिशियल आया वी जीरो अपॉन टू, ये वी इनिशियल आपका ट्वाइस एम का है, ये आपका फाइनल स्टेज है जहाँ पे आपका वेलोसिटी है वी डैश, पूरे सिस्टम का वी डैश है, मींस एम का भी वी डैश है और जो ट्वाइस एम है, ये ध्यान रखना, बुलेट जब लग गया है ट्वाइस एम है, ट्वाइस एम है दोनों का आपका, ये वी डैश है। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा यहाँ से यहाँ तक, वैसे तो यहाँ से यहाँ तक भी नहीं लग रहा। आप यहाँ से पूरे सिस्टम को माने, आप इस सिस्टम को माने अगर तो भी कर सकते हैं, पर चलो हमने क्योंकि एक स्टेज पे निकाल लिया। आप यहाँ से देखिए सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का, जैसे ये हिट किया इसका वेलोसिटी तो था वी आई जो कि वी जीरो पॉइंट टू है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं था। फिजिक्स में जब भी कोई चीज स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, जब तक वो रिजिडली नहीं जुड़ी हुई है, जब तक उस सिस्टम का, उस बॉडी का पार्ट नहीं है, तब तक इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम मत लीजिए। उस इंस्टेंट पे जब बुलेट ने हिट किया तो ये सिर्फ इसी की वेलोसिटी है, उसके बाद ये वेलोसिटी गेन करनी शुरू करेगा और यहाँ पे तो दोनों की सेम हो जाएगी। तो इस टाइम पे इस सिस्टम की, चलो मैं बुलेट को अगर बाहर निकाल दूं, अब मैं इसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम के हिसाब से देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स को, इस टाइम में इस सिस्टम की वेलोसिटी सिर्फ वी जीरो अपॉन टू है, जो कि वेलोसिटी इसकी है, इसकी कुछ नहीं है, इसकी जीरो है। सो अब मोमेंटम क्या हुआ? ट्वाइस एम वी जीरो अपॉन टू, यानी कि एम वी जीरो अपॉन टू आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया पी वन। ये वन स्टेज है, ये जीरो स्टेज था और ये टू स्टेज है। और आपका पी टू कितना हुआ? पी टू हुआ ट्वाइस एम प्लस एम, तो टोटल मास है और वी डैश है, ये हुआ आपका पी टू। पी
P1 और P2 बराबर होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, ग्रेविटी भले ही लग रही है वो नॉर्मल है, मोशन के नॉर्मल जो भी फोर्स लगते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मोशन के अलॉन्ग नहीं लगना चाहिए। आप इक्वेट कर लीजिए, सो वी डैश की वैल्यू आई हमारी एम वी ज़ीरो अपॉन एम प्लस 2m, आपका वी डैश आ गया। अब यहाँ पे ये हाइट इसने गेन की h, पहले सपोज थी, पहले h थी, अब अंदर इसकी हाइट हो गई h, तो एब्सोल्यूट फ्रेम में भी अगर देखें तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पी आई थी ट्वाइस एम जी एच, पी आई फाइ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हुई, ये पोटेंशियल है, पीई लिख देता हूँ, ट्वाइस एम जी एच प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, इस स्टेज की बोल रहा हूँ, इनिशियल मतलब स्टेज वन, हाफ ट्वाइस एम, दोनों का मास लेना है, और सिस्टम की वेलोसिटी, इस सिस्टम में इस पार्ट की वेलोसिटी कितनी है, वी जीरो अपॉन टू, तो वी जीरो स्क्वायर अपॉन फोर, ये हो गया एम वी जीरो स्क्वायर अपॉन फोर हो गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ पूरे सिस्टम का मास कितना है, एम प्लस टू एम, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है, एम स्क्वायर वी जीरो स्क्वायर हो जाएगा, और एम प्लस ट्वाइस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया वी स्क्वायर। इसको आप रब कर दीजिए क्योंकि ये स्क्वायर है, तो आपका आया ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इक्वेट कर दीजिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हमारा आएगा ये एम वी जीरो स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी जीरो स्क्वायर अपॉन एम प्लस टू एम प्लस ट्वाइस एम जी एच, वो कैंसिल हो गया कैपिटल एच, इसलिए मैंने सिर्फ इतना लिखा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको लिख लेते हैं टू अपॉन फोर लिख लेते हैं, एम वी जीरो स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, फोर को कॉमन ले लीजिए नीचे, वन माइनस ट्वाइस एम अपॉन एम प्लस ट्वाइस एम इज इक्वल टू ट्वाइस एम जी एच, एम काट दीजिए, ये आया वी जीरो स्क्वायर अपॉन फोर, ट्वाइस एम कैंसिल हो गया ऊपर, एम एम प्लस ट्वाइस एम ट्वाइस जी एच, तो एच की वैल्यू कितनी हुई, टू जी इधर ले आइए, एट जी, तो ये आ गया आपका स्मॉल एच, और हमें क्या निकालना था, ग्राउंड से कितना है एच प्लस एच, आप लिख दीजिए फाइनल आंसर है एच प्लस एच, आपको बेसिकली स्मॉल एच निकालना था, उसकी वैल्यू ये है। सो फ्रेम को देख के और थोड़ा सा इमेजिन करके आई थिंक कोई भी क्वेश्चन करा जा सकता है।